प्रकाश नोट श्री तिरुपति बालाजी मूर्ति स्थापना के अवसर पर 51 लोग हुए सम्मानित लखनऊ गुरुवार पार्क रोड चौराहा स्थित श्री तिरुपति बालाजी मंदिर ट्रस्ट व पंचमुखी हनुमान जी विराजमान महाराज जी ट्रस्ट के संयोजक गोपाल राय ने कहा कि आज तिरुपति बालाजी मूर्ति की स्थापना करने के पश्चात प्रसाद भंडारा कार्यक्रम के दौरान 51 लोगों को तिरुपति बालाजी स्मृति चिन्ह सम्मान से सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि लखनऊ में तिरुपति बालाजी का मंदिर नहीं था, तिरुपति बालाजी के भक्तों को इच्छा थी कि लखनऊ में भी उनका मंदिर ही जिससे दर्शन प्राप्त हो सके। अब यहां मूर्ति स्थापित होने पर लोग तिरुपति बालाजी का दर्शन लाभ ले सकेंगे। श्री राय ने कहा कि भविष्य में हम लोग मात्र 10वें तिरुपति प्रसाद भोजनालय की व्यवस्था के विषय में विचार कर रहे हैं, जिससे गरीबों को 2 वक्त का भोजन सरलता से उपलब्ध हो सके। आने वाले समय में संस्था उस पर कार्य करेगी। संस्था के संस्थापक किशन लाल गोंड ने कहा कि संस्था गरीबों के हितार्थ सदैव कार्य करती रहेगी। उक्त अवसर पर श्री राजेश सिंह, विजय श्रीवास्तव, राजीव राय, राघव शर्मा, नेहा राय, प्रणव राय, दिनेश यादव, गणेश यादव एवं मन ये जो कार्यक्रम चल रहा है हम लोग तिरुपति बालाजी महाराज से काफी प्रेरित होकर के हमारे सहयोगी किशन लाल गौड़ है, हमारा नाम गोपाल राय है, तो मैं आयोजन करने के पहले हमारे मन में आया कि लखनऊ में कहीं भी तिरुपति बालाजी का मंदिर नहीं है और तिरुपति बालाजी हमारे विष्णु स्वरूप भी हैं, श्री कृष्ण के स्वरूप हैं, तो हम लोगों ने तिरुपति बालाजी का 15 दिन के भीतर मूर्ति बनवा करके और स्थापित करने का आज काम किया है। और आने वाले समय में मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह से तमिलनाडु में 5 रुपया में भोजन की व्यवस्था चलती थी तो उसमें सरकार का सहयोग रहता था, लेकिन हम लोग आने वाले समय में 10 रुपए में भरपेट भोजन गरीब लोगों को कराएंगे। वो गरीब लोग जो वास्तव में भरपेट भोजन नहीं कर पाते हैं, जबकि आज की इस महंगाई में 10 रुपए में तो मुझे लगता है कि सामान भी नहीं मिलता सब्जी का, तो ये सब भी योजना अगर तिरुपति बालाजी चाहेंगे तो निश्चित रूप से उनकी कृपा से हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि आज भी इतना भव्य कार्यक्रम ये उन्हीं की कृपा से हुआ, हम लोगों के पास कोई ताकत नहीं है। तो आज आप लोगों के सामने ये बातें थी, क्योंकि भाषण कोई राजनीतिक चीज थी नहीं और हमने 51 लोगों को सम्मानित कर चुके थे जिनका सबका नंबर भी लगा था, और आज शाम तक कुछ ऐसे अधिकारी हैं, मंत्री हैं जो आ रहे हैं, उनको भी सम्मानित करेंगे जो सम्मान से वंचित रह गए थे। हम लोग समाज में पीड़ित लोगों के साथ सहयोग हमेशा करते चले आए हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, और हमेशा हम लोग सामाजिक वर्क करते रहेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ करते हुए